सोलन के ठोडो मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं। पुलिस होमगार्ड के अलावा एनसीसी कैडेट भी परेड में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें परेड की बारीकियां समझाई जा रही हैं। सभी टुकड़ियां जोश के साथ बैंड की थाप पर अच्छे प्रदर्शन के लिए पूर्वाभ्यास कर रही हैं। 24 जनवरी को प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह सोलन में बतौर मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर पुलिस सब इंस्पेक्टर सुनील दत्त ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमा में आनंद से मनाने के लिए मार्च पास्ट की रिहर्सल की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में पुलिस व होमगार्ड के अलावा स्काउट एंड गाइड एनसीसी कैडेट के साथ साथ निजी व सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं भी भाग ले रहे हैं। परेड में चयनित 11 टुकड़ियों का पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा है। 26 जनवरी की जो परेड हो रही है उसके रिहर्सल कर रहे हैं। इसमें 11 प्लाटीने हैं, इसमें पुलिस की दो टुकड़ियां हैं, एक फीमेल और एक मेल, दो एनसीसी की है, एक होमगार्ड की है, बाकी स्कूल के बच्चे हैं। और हम जोर तोर से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें, ताकि हमारे से कोई कमी ना रह जाए। इस परेड में मुख्य अतिथि होंगे उद्योग मंत्री विक्रम सिंह जी, जो 26 जनवरी को इधर आएंगे। बच्चों में बहुत उत्साह है और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे भी हमारे साथ मिल करके। एनसीसी की कैडेट अंकिता और अनिल ने बताया कि वह गणतंत्र दिवस के लिए काफी उत्साहित हैं और पूरे जोश के साथ वह परेड की सलामी देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना है कि परेड में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसके लिए पूर्व अभ्यास करना अति आवश्यक है। और हम यहाँ पे 26 जनवरी की परेड करने के लिए आए हैं, और हम ये परेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कोई गलती ना हो, और 26 जनवरी के दिन ताकि सभी के साथ हम प्रदर्शित कर सके, दिखा सके, और ताकि हम झंडे को, तिरंगे को अपने सलामी बहुत अच्छे से दे सके। यहाँ पर हम लोग 26 जनवरी की परेड के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। सभी बच्चों में बहुत उत्साह है, सभी अपने अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग विजिट से लोग आए हैं, जैसे पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी के कैडेट्स, स्कूल के बच्चे और स्काउट एंड गाइड। बहुत सारे बच्चों ने वहाँ यहाँ परेड में पार्ट लिया है। 26 जनवरी को जब हमारी परेड होगी तो हम लोग अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे।